हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो पे शेयर करने वाला हूँ मेरे गार्डन का अपडेट, मतलब पार्ट टू। इससे पहले मैं पार्ट वन ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। तो जैसे कि और अभी मैं मेरे जो दूसरे प्लांट है उसे भी देखिए हार्ड प्रून कर दिया हूँ, और इसमें भी छोटे छोटे से देखिए ब्रांचेस निकलना शुरू हुआ है। उम्मीद है इसमें भी आने वाले एक महीने के अंदर फ्लावरिंग शुरू होंगे। तो आपके प्लांट पे भी अगर फ्लावरिंग नहीं है तो आप भी इस तरीके से प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, तो प्लांट पे आने वाला है बहुत सारे फूल। यहाँ पर है कुछ अदरक के प्लांट और कुछ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, और यहाँ पर है मेरे दो कैरी। लेकिन उससे पहले इस साइड पे जो लास्ट कैरी है उसके अंदर कुछ बिटर गॉर्ड और कुछ मलबर स्पिनच के प्लांट है, बहुत पुराना प्लांट। आप ब्रांचेस देख सकते हैं कितने मोटा हो चुका है, और मेरे शेड के ऊपर यह अभी चढ़ चुका है। इस साइड पे एक ड्वार्फ चांदनी के प्लांट है, चीनी चांदनी कहा जाता है, और कुछ हिबिस्कस के प्लांट है यहाँ पर जो डबल पेटल वाले हैं, रेड कलर में फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ पर है कुछ अपराजिता के प्लांट, देखिए ब्लू कलर में फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा मेरे कैरी के अंदर ही एक हिबिस्कस के व्हाइट वैरायटी है जो फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए कटिंग ट्रे के अंदर ही है और प्लांट, और ये फ्लावरिंग कर रहा है। इस कटिंग ट्रे में मेरे बहुत सारे पुराने प्लांट्स हैं, जैसे कि मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, इक्जुरा के एक कटिंग है वो भी फ्लावरिंग कर चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे। और देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ बर्ड्स लगे हुए है, और एक हरसिंगार के बहुत ही बड़ा सा प्लांट है, और भी कुछ प्लांट है इसके अंदर, जैसे कि प्लूमेरिया पुदीका के एक कटिंग है, देख सकते हैं आप ये भी लग चुका है। और इसके अंदर नेक्स्ट कैरी के अंदर देखिए बहुत बड़ा सा, बहुत पुराना एक कोरोबी के प्लांट है, और बहुत सारे मोगरा और बोगनवेलिया के भी कटिंग है जो लग चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हो पीछे की साइड से बहुत सारे फूल, हिबिस्कस के व्हाइट वैरायटी, रेड वैरायटी, रेड वैरायटी के दो प्लांट है, एक नॉर्मल देसी और एक हाइब्रिड वाले जो बहुत ही बड़े साइज में यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ पर है मेरे एक व्हाइट वैरायटी मैंडीविला के, वो भी फ्लावरिंग कर रहा है। प्लांट बहुत पुराना है और बहुत बड़ा हो चुका है। मेरे जो जूही के प्लांट है उसके साथ ये मर्ज हो गया है, देखिए ऊपर के साइड पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फूल और बर्ड्स कुछ देखने को मिल जाएगा। और इस साइड पे है मेरे एक बहुत पुराना लेमन के प्लांट, जिसमें बहुत सारे अभी छोटे छोटे से फूल खिलना शुरू हुआ है जस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे फूल है। यहाँ पर एक कड़ी पत्ता के भी प्लांट है, और यहाँ पर एक मैक्सिकन पिटूनिया के वैरायटी है, देख सकते हैं आप कितने सुंदर इसके फूल के कलर है। और एक छोटा सा प्लांट था और इसी से देखिए बहुत सारे मेरे प्लांट अभी बन चुका है। और यहीं पर है और एक हिबिस्कस के वैरायटी जो देख सकते हैं आप फ्लावरिंग हुआ है, बहुत खूबसूरत सा वैरायटी है, एक रेड कलर में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ये जो शेप है बहुत ही खूबसूरत है फूल के, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। इसे भी मैं कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया था। यहाँ पर है मेरे प्लूमेरिया पुदीका के एक बहुत ही बड़ा सा प्लांट, देखिए कितना बड़ा प्लांट है, व्हाइट कलर में गुच्छों में बहुत सारे फूल खिलते हैं इस पे। और इस प्लांट के खासियत है कि फूल जो है बहुत दिन तक रहते हैं प्लांट पे, और फूलों के साइज भी बहुत ही बड़े से है, और व्हाइट कलर में देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर मेरे बहुत सारे रोज के प्लांट है, जो एक रोज खिला है आप देख सकते हो रेड कलर में, इसके साइज देखिए कितने बड़े साइज में ये फ्लावरिंग किया है। और भी कुछ रोज प्लांट है जिसमें यहाँ पर देखिए और एक बर्ड्स है, और भी कुछ रोज के प्लांट पे बर्ड्स आना शुरू हुआ है। इन सब प्लांट की केयर अभी अक्टूबर में करना पड़ेगा, कटिंग प्रूनिंग और फर्टिलाइजर का मैं अप्लाई करूंगा। मैं इसके बारे में पूरे वीडियो बनाऊंगा एक, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ
जरूर शेयर करूंगा। और यहाँ पर है मेरे सभी कटिंग ट्रे जिसके अंदर मैरीगोल्ड की कटिंग लगा हुआ था। मैं कुछ मैरीगोल्ड की कटिंग को रिपोर्ट कर चुका हूँ, कुछ क्रिसेंथेमम के कटिंग भी अभी तक लगा हुआ है। और यह है मेरे मेन कटिंग ट्रे जिसके अंदर मैं बहुत सारे हिबिस्कस, एलामंडा और यहाँ पर है ड्वार्फ क्रोटोन के दो कटिंग जो लग चुके हैं। और यहाँ पर कुछ है ब्लीडिंग हार्ट के भी कटिंग और कुछ यहाँ पर डहलिया के कटिंग लगे हुए हैं। डहलिया के कटिंग इस साइड पे भी कुछ है, जैसे कि देख सकते हो सभी कटिंग मेरे लग चुके हैं। यहाँ पर और कुछ कटिंग है, ये भी लग चुके हैं। तो कटिंग सभी मैं सिर्फ सैंड के अंदर ही ग्रो करता हूँ और कटिंग सक्सेसफुली लगते हैं। इसके पीछे है बहुत सारे इंडोर प्लांट्स जैसे कि क्रोटोन, चाइनीज बैम्बू, स्नेक प्लांट, मॉन्स्टेरा के जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सभी मेरे बहुत ही पुराने हैं और आउटडोर पे ही रखा हुआ है। और जैसे कि मैं बताया कुछ कटिंग में ग्रो कर चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप मैरीगोल्ड के कटिंग देख सकते हैं, आप सभी लगाए हुए 7 दिन के ऊपर हो चुके हैं, सभी कटिंग मेरे सक्सेसफुली लग चुके हैं। और भी कुछ कटिंग है जिसे मैं कुछ दिनों के अंदर ही रिपोर्टिंग कर दूंगा, क्योंकि बारिश अभी बहुत ही ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अभी रिपोर्टिंग नहीं किया हूँ। और यहाँ पर है मेरे एक येलो फूल के प्लांट, जैसे कि आप देख सकते हो येलो कलर में ये फ्लावरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरे छत के ऊपर लगे हुए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट के कुछ अपडेट जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया इस महीने की, मतलब सितंबर महीने में मेरे प्लांट्स का ग्रोथ कैसा है। और कुछ कटिंग भी मैं ग्रो किया था विंटर सीजन वाले, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।